जी बताओ सबूर का मतलब क्या है? सब्र करने वाली। मैं मम्मा से लड़ती थी। अच्छा मैं मुझे मुझे लगता है कि अब की बनस्पत पहले मुझ में बड़ा सब्र था, अब जैसे ना जाता जा रहा है। क्यों? लेकिन मैं चाहती हूँ, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बीच में मुझे ऐसा लगा जैसे ना बिल्कुल पेशेंस मुझ में खत्म हो चुका है। अच्छा। और मैं कोई कोई भी बात भी बर्दाश्त नहीं करती थी, गुस्सा जी किस जमाने की बात है, राइट आफ्टर योर मदर्स डेथ या उसके थोड़े से बाद? उसके बाद से ही ना जरा काफी चेंज, क्योंकि वो इतनी बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ना, वो खुद भी नहीं पता वो हुआ क्या है, आज तक नहीं पता चलता कि ये कैसे हो गया, यकीन नहीं आता। लेकिन उसके बाद ना मैंने सोचा सब्र नहीं करना, थैंकफुल होना है, शुक्र करना है। तो सब्र नहीं करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए हर चीज के लिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। अपनी उम्र के लिए आप बड़ी कलमंदा ना। आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस। सो कोई और मैं लगती छोटी हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ नहीं, ये बात रहे। सो अगर आप अपनी अम्मी को अभी कोई बात बता सके आज, तो आप क्या बताएंगी उन्हें जो आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आप नहीं बोल सके? अच्छा मुझे तो बहुत सारे गिल्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा ये कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी। सज्जल मेरा भाई अली, वो जाते थे, वो हक करते थे, प्यार करते थे, किस करते थे, उनको बताते थे कि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं बहुत शाय थी। तो अब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ना वो जो कमी रह गई ना, और वो कि मैं हग नहीं करती थी, मैं प्यार, मुझे शर्म आती थी, मैं बताती नहीं थी, तो वो ना उसमें रहती थी कि पता नहीं मुझसे करती भी है या नहीं, या अपने बाबा से ज़्यादा करती है। वो ये कहती थी तुम अपने बाबा से ज़्यादा करती हो। हालांकि माँ बाप है, और माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। माँ तो माँ जैसा रिश्ता कोई नहीं है। बल्कि मैं अगर सोचूं अभी कभी जिंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जिंदगी में मैं माँ बहुत अच्छी बनूंगी इंशाल्लाह। तो बस मैं मम्मा को जाके बस एक बार या वो हक करना चाहती हूँ, वो फील लेना चाहती हूँ, वो जो मैं बहुत कम लेती थी। और अब अम्मी पे गुस्सा आता था कि वो आपको लाहौर से कराची ले आए? नहीं वो नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई थी, हम खुद मम्मा के पास आए थे। ओके। और क्योंकि उनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो आप लोगों को छोड़ के यहाँ गई थी? वो यहाँ पर थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। और फिर आप लोगों ने चूज़ किया कि हम अपने अम्मी के साथ रहेंगे? ओके ओके। और कभी भी ऐसा कुछ होता, मेरे ख्याल से माँ जो ध्यान दे सकती है अपनी औलाद को, वो कोई नहीं दे सकता। और जो माँ सोच सकती है उसके लिए, जो फील कर सकती है, जो समझा सकती है, वो कोई नहीं। अच्छा तुम और सजल दोनों एक्टर्स हो, ठीक है, अपने अपने ड्रामे करती हो, अब आपस में कभी बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो कैसे पता चलता है कि ये सामने वाला इस वक्त सच बोल रहा है या एक्टिंग करके मुझे चलाओ काम चलाओ? समझ आ जाती है, you guys can tell. हाँ, और वैसे हमारे में ऐसे कुछ झूठ सच वाली चीज होती नहीं है, लेकिन कभी कुछ छुपाना हो, कुछ वो करना हो कि अच्छा इस वक्त मेरा मूड नहीं हो रहा है बताने का, मैं थोड़ा सा इसको ये साइड ट्रैक नहीं, ये होता है कि अगर कुछ बताना नहीं है और कुछ है ऐसा और पता चल गया तो हम चुप ही रहते हैं, पता तो चल गया अब क्या किसी को। कभी नहीं हुआ कि सजल के सामने थोड़ी सी तुमने एक्टिंग करके कुछ कोई और तरह का इम्प्रेशन देने की कोशिश की हो? उसको तो लगता है कभी कभार ड्रामे देखती है वो मेरे, बड़ी मुश्किल से तारीफ निकलती है उसके मुंह से, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी ओवर हूँ। तो वही हम दोनों काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी एक्टिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जो तुम्हें बोलती है तुम ओवर हो या तुम ओवर एक्टिंग, तो तुम क्या जवाब देती हो? मैं कहती हूँ तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से तारीफ निकलना बहुत मुश्किल है, मुझे तारीफ निकल जाती है वो काफी है। तुम उसको नहीं बताती तुमने देखा तुम इस ड्रामे में कैसे एक्टिंग करी? तुमने देखा एक टाइम था जब हमारा ड्रामा उसका दूसरे चैनल पे लगा हुआ था मेरे, लेकिन एक टाइम पे था। अच्छा, मतलब एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। तो अब ये था कि कौन सा ज्यादा देखा जाएगा, क्या होगा। तो अब मुझे था कि अच्छा सज्जल का है तो जाहिर सी बात है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा ड्रामा ज्यादा देखा गया। तो डिड यू रब इट इन टू? वो मैं आज तक बोलती हूँ उसको, और मैं बोलती रहूंगी, पता नहीं फिर ऐसा चांस कब आए मेरे पास, तो मेरे पास जो चीज है उसको मैं इस्तेमाल करूँ। नहीं नहीं इंशाल्लाह आप भी बहुत ऊपर जाएंगी, इंशाल्लाह चली गई है या। अच्छा तो सजल, मैंने आपने मुझे आपने किसी इंटरव्यू में बताया कि शी वाज अ डिबेटर, बहुत डिबेट्स करती थी बहुत। तो फिर जब आर्गुमेंट होता है तो कैसे जीतती हो उससे? मेरे ख्याल से खामोशी सबसे अच्छा जवाब। हाँ
तो उसको बोलने देती जो बोल रही हो जब बोलना होता है ना मुझे हाँ। मुझे वैसे बहुत कम गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो वो बहुत बुरा चढ़ता है हाँ। और अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो हम कुछ दिन तक बात नहीं करते हाँ। फिर मैं तो नहीं जाती, वो ही मुझसे बात करती है आके हाँ। किसी ना किसी बहाने, क्योंकि उसको मुझसे काम तो पड़ते रहते हैं। और तुम ही नहीं काम से पड़ते उससे? नहीं नहीं मुझे ऐसे काम पड़ते नहीं है, उसी को कभी मेरी कोई चीज चाहिए होती है, कभी कुछ चाहिए होती है, या कोई बात उसे बहाने से करनी हो, क्योंकि अब तो आज भाई भी है ना बीच में, तो वो उनको होता है कि बिन में लड़ाई ना हो या कुछ ना हो, तो वो अगर मुझसे कोई बात करते तो आज भाई उसकी क्लास लेते हैं कैसे किया। तुम्हारे तो मजे हो गए भाई। हाँ मजे तो हो गए, आज भाई बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक सपोर्ट मिल गई है आज भाई की, आंटी की, सबकी, आसिफ अंकल की, बड़ी हमें सपोर्ट है। अब अगर तुमने ये किया सचल तो मैं आज भाई को बताने जा रही हूँ, तुम धमकी देती होगी उसको? मैं दे सकती हूँ लेकिन अभी तक दी नहीं है, अब सोचूंगी इस बारे में। अच्छा ओके, सो यू वुड, अभी आप मेंशन कर रही थी आसिफ अंकल और सबका, तो मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, एक और फैमिली मिल गई आप लोगों को? फैमिली यही है, एक और तो नहीं, बस यही, अभी भी आज हमारी बातें हो रही थी तो आंटी कह रही थी एक चैनल पे आहत का ड्रामा, एक पे सज्जल का, और फिर मैंने रिप्लाई किया, वो लिखने लगी थी, मैंने कहा और हर चैनल पे सबूर का ड्रामा, मैंने कहा आप मुझे भूल गई ना, मेरा नाम नहीं कह रही, मैं लिखने लगी थी। शी मस्ट बी लाइक ऑल, अब वो उनको देखने भी पड़ते हैं, अब वो किसी एक का देखे और दूसरे का ना देखे, तो वो कह रही थी तुम जो गुल कर रही हो ना, मेरा दिल चाहता है आके तुम्हारी पिटाई लगाऊं मैं, तुम क्या कर रही हो उस ड्रामे में? व्हाट मेड यू टेक दैट ड्रामा? Because गुल का कैरेक्टर जरा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास ये थर्ड टाइम मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, और अच्छा, मैं पहली दफा मना कर दिया था और डिफरेंट डायरेक्टर्स थे, फिर मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स कर चुकी थी जिसमें ऐसे ड्रामे कर चुकी थी जिसमें दो दो लड़कियां कंपैरिजन और ये वो सारी चीजें ना, तो कभी कभार मैं फिर मुझे था मैं ऑफ हो गई थी ऐसे ड्रामों से, तो मैंने नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, फिर यही कैरेक्टर किसी और लड़की ने किया और वो रीशूट हुआ। ओके और क्योंकि ये फिर वही ना अल्लाह ने जिसके लिए लिखा होता है तो वो दोबारा मेरे पास आया और फिर मुझे कन्विंस भी नहीं किया उन्होंने, मैंने कर लिया। वाओ वो गुल शायद मेरे लिए था और गुल मेरी लाइफ का मैं कहूंगी, हालांकि वो नेगेटिव है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा ये बताओ जब किसी व्हेन यू सी अ गाय, व्हेन यू मीट अ गाय द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या चीज आप नोटिस करती हो, क्या चीज अपीयरेंस वाइज, एनीथिंग, आईज, उसके पेरेंट्स, उसके जूते, यू नो द वे ही टॉक्स, क्या चीज सबसे ज्यादा, तो वो बात कैसे करता है। अच्छा दूसरी चीज अगर पेरेंट्स वाइज देखें तो मुझे होता है हाथ पांव बहुत प्यारे होने चाहिए। ये तुम लड़कों को लड़कियों के बारे में कहना चाहिए, और तुम लड़कों के हाथ पैर अच्छे होना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छे साफ सुथरे खूबसूरत तो वो मुझे बड़ा होता है कि अच्छे हों, अगर वैसे बड़ा अच्छा और मैंने देख लिया नहीं आ पाऊँ तो जरा मैं ऑफ हो जाती हूँ।